हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो भाई, जो भी इस चैनल में न्यू है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। और प्लीज़, मैंने टारगेट रखा है इस मंथ तक मेरे को 1K सब्सक्राइबर करने हैं कंप्लीट। तो प्लीज़, आई होप आप लोग करवा दोगे। प्लीज़, जो भी नया है सब्सक्राइबर, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो गाइज़, आज की वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ, तो जो भी बाइकर होते हैं वो ये वाला बटन क्यों लगवाते हैं अपनी बाइक में, तो इसका रीज़न ये है। मैं अभी पहले बाइक को स्टार्ट कर देता हूँ। तो भाई गाइज, अभी ये जो बटन है ये ऑन है। अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं लेफ़्ट साइड का इंडिकेटर दूंगा तो क्या होगा। ये मैंने लेफ़्ट साइड का इंडिकेटर दिया, इससे क्या हुआ, बाइक के दोनों इंडिकेटर चल रहे हैं, राइट वाला भी चल रहा है और लेफ़्ट वाला भी चल रहा है। और अगर मैं इसको कर दूँ ऑफ, अब मैं इसको कर देता हूँ ऑफ, जिसमें क्या होगा, मैंने लेफ़्ट वाला इंडिकेटर दिया था तो ये लेफ़्ट वाला इंडिकेटर ही चलेगा, राइट वाला नहीं चलेगा। तो गाइस, यही रीज़न होता है इसमें कि ये बटन लगा दे, तो जिसमें हम चारों इसकी इंडिकेटर वो चारों ऑन कर सकते हैं। मैं इसको कर देता हूँ ऑन, देखो चार इंडिकेटर चलने लग गए फिर से। ये आगे से पीछे वाले भी बता देता हूँ आप लोगों को, ये देखो पीछे से भी चारों इंडिकेटर चल रहे हैं इसके। और अगर आपको कहीं पर इंडिकेटर देना है लेफ़्ट का, राइट का, मान लो मैंने राइट का इंडिकेटर दिया हुआ, अब मैं राइट का इंडिकेटर दे रहा हूँ, यहाँ से राइट का इंडिकेटर दिया और मैंने इस बटन को ऑफ़ कर देता हूँ, इस बटन को मैंने कर दिया ऑफ़। अब देखो ये सिर्फ राइट का इंडिकेटर दे रहा है, लेफ्ट वाला बंद कर दिया इसने। ये देखो राइट का, बैक से भी सिर्फ राइट का। तो गाइस, इसलिए ये ज़्यादातर बाइकर जो भी हैं ये अपनी बाइक पे इसलिए लगाते हैं जिससे चारों इंडिकेटर चलते हैं। ये देखो अब चारों चलने लगे। तो यही थी आज की छोटी सी वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना, और प्लीज़ जो भी चैनल में नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना, प्लीज़ आपके रिक्वेस्ट है। इस खत्म, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए।